नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हेमंत गोयल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमित आर्ट संवाद चैनल पर। आज हम सीखते हैं एक खूबसूरत सीनरी बनाना। सबसे पहले अपने ड्राइंग पेज की चारों तरफ से फ्रेम बनाई हमने, इसके बाद फिर आसमान की शेडिंग बिल्कुल लाइट टोन फिलअप करना है। पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ेंगे और जितना फ्लैट आप चला सकते हैं उतना फ्लैट चलाएँगे। हल्का सा आप टिश्यू पेपर से इसे ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद ग्रीनरी वाला पार्ट आपको फ्लैट पेंसिल पॉइंट एक पेंसिल से बनाना है। अप साइड डार्क, डाउन साइड लाइट, उसको मिक्स कीजिए, एक और ग्रीनरी वाला पार्ट क्रिएट कीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे इसमें माउंटेंस। पेंसिल को फ्लैट पकड़कर हल्का सा प्रेशर लगा कर चलाइए। वन साइड डार्क, वन साइड लाइट, बिकॉज ऑफ सन लाइट ये इफेक्ट देने के बाद बारी आती है नीचे पानी बनाने। पानी के बीच में फिर से ज़मीन का एक छोटा सा पीस हमने बनाया है, ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है। पानी के लिए एकदम लाइट टोन को फिलअप करेंगे। पानी में रिफ्लेक्शन बनाना ना भूलें, बहुत सुंदर लगता है ये। इरेजर से कुछ चमकती हुई वेव्स पानी पे हमने क्रिएट की। इसके बाद मेन ऑब्जेक्ट हमारे जो हैं लैंडस्केप के ट्रीज, हाउस, बर्ड्स, इंच जो की बारी आती है। ट्री हमेशा नीचे से थोड़ा मोटा रखें, ऊपर से जैसे जैसे ब्रांचेस बनेगी पतला होते जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन बनाना बिल्कुल ना भूलें। एक हाउस हमने क्रिएट किया है, इसमें इसका भी रिफ्लेक्शन आएगा। हाउस के जस्ट नीचे हम एक बोर्ड भी क्रिएट करेंगे और उसको एक लकड़ी से किनारे पे बांध देंगे। इसके बाद में फिर एक पेड़ बनाना है और उसका रिफ्लेक्शन बनाकर पत्तियों के लिए यहाँ पर हमने पेंसिल को बार बार टच किया है, एक जैसी पत्तियाँ बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फेंसिंग क्रिएट की, इसके बाद आसपास से चारों तरफ से आपको व्हाइट फ्रेमिंग करके अपनी सीनरी को कंप्लीट करना है।